गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम था और मैंने आलू को बॉईल होने रख दिया था और अभी लगभग 5 ही बज रहे थे और मैं किचन में आ गई थी आलू बॉईल होने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि आज पार्थ जा रहा है स्कूल की तरफ पे ट्रिप पर, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ बनाऊंगी नाश्ता। और पहले तो पार्थ बोल रहा था कि वह आप पे ले जाएगा, लेकिन दही अभी जमा नहीं था, तब मैंने सोचा कि उसके लिए आलू के पराठे बना देंगे। और पार्थ बोल रहा था कि वह पुलाव भी ले जाएगा, तो उसके लिए आलू के पराठे और पुलाव दोनों चीजें ही हम बना देंगे। और आलू जब तक बॉईल होंगे तब तक मेरी झाड़ू भी लग जाएगी। और अभी पार्थ सो रहा था और बाकी सभी लोग सो रहे थे और मैंने मेरा काम करना शुरू कर दिया था। और झाड़ू जैसी ही मेरी लग जाएगी तब उसके बाद मैं करूंगी नाश्ते के लिए तैयारी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को कहीं जाना होता है तो माँ बाप को तो चिंता लगती ही है, तो मुझे भी लग रही थी। और मुझे जल्दी ही मेरी नींद खुल गई थी और मैं उठ गई थी। और उठने के बाद मैं पार्थ के जो नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। आलू भी हो गए थे बॉयल और दूध को भी मैंने कर लिया था गर्म और चावल को भी मैंने धो कर रख लिया था और चाय को भी बनने के लिए रख दिया था। तो जब तक चाय बनेगी तब तक हम जो पुलाव बनाएंगे तो उसकी भी तैयारी कर लेंगे। और सारा काम मैं करते जाऊंगी जल्दी से, क्योंकि पार्थ को जाना है तो देर भी ना हो पाए और टाइम से सारा काम निपट जाए। और चाय भी बन गई थी तो चाय छान कर मैंने सभी को दे दी। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई वापस से किचन में और मैंने आलू जो बॉईल किए थे तो उसका मसाला भी बनाकर रख लिया था, तो जो फिलिंग थी उसको बना लिया था। और पार्थ भी आ गया था, उठ गया था और ब्रश वगैरह उसने कर लिया था और अभी उसने नहाया नहीं था, तो मैं उसको एप्पल दे दूंगी और वो जब तक एप्पल खाएगा उसके बाद फिर नहाने जाएगा और नहाने के बाद फिर वह नाश्ता करेगा। तो सारे काम मेरे टाइम से होते चले जा रहे थे, बस सुबह जल्दी उठने का यही फायदा होता है। और उसके बाद फिर पार्थ नहाने चला गया और मैं पुलाव बना रही हूँ। और जब तक पुलाव बनेगा तब तक जो पार्थ भी नहा कर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आज पार्थ पहली बार हम लोगों के बिना कहीं जा रहा है और वह स्कूल की ट्रिप में भी पहली बार जा रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन भी होती है और बच्चे की थोड़ी सी चिंता भी होती है। खैर, बच्चा बड़ा होता है तो उसको अकेले तो खैर जाना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर पुलाव भी मेरा बन रहा है और पुलाव बनने के बाद पुलाव बनता रहेगा और मैं आटे को भी कर लूंगी तैयार, जिससे कि पराठे भी बन जाए हमारे। आटा भी मैंने कर लिया था तैयार और उसके बाद मैं बना लूंगी पराठे। और पुलाव भी हमारा अभी बन रहा था और पार्थ को पुलाव बहुत पसंद है। अगर मैं उसको रोज भी पुलाव बना के दूं तो वह रोज भी पुलाव खा सकता है। तो पार्थ जैसे ही तैयार होकर आ जाएगा तो मैं उसको नाश्ता भी दे दूंगी। और पराठे भी यहाँ पर बनते जा रहे थे, सारे काम मेरे टाइम से होते चले जा रहे थे, बस सुबह उठने का बस यही फायदा होता है। पार्थ को आलू के पराठे भी बहुत पसंद है और साथ में हमारा पुलाव भी बनता जा रहा है, सारे काम टाइम से होते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा कहीं बाहर जाता है तो थोड़ी सी चिंता तो होती है, सभी माँ बाप को होती है। और अभी मैं जो पराठे बना रही हूँ तो सिर्फ पार्थ के नाश्ते के लिए ही बनाऊंगी, बाकी के पराठे मैं बाद में बनाऊंगी। और पुलाव भी हमारा हो गया था बनकर तैयार, धनिया मैंने ऐड कर दी थी और धनिया को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। हरा धनिया भी मिक्स हो गया है और पुलाव हो गया हमारा बनकर एकदम तैयार। और चाय को भी मैंने गर्म कर लिया था, चाय गर्म हो गई थी और मैंने पार्थ को नाश्ता भी दे दिया था। और पार्थ नाश्ता जब तक करेगा तब तक मैं टिफिन भी लगा दूंगी। और टिफिन में आज पार्थ ले जाएगा आलू के पराठे और आम का अचार। वैसे तो पार्थ आम का अचार कम ही खाता है, पर उसके के जो फेवरेट पराठे होते हैं उनके साथ वह आम का अचार जरूर खाता है। और आम का अचार और पराठे मैंने पैक कर दिए थे और साथ ही मैं पुलाव को भी पैक कर दूंगी। और
पुलाव पैक करने के बाद एक टिफिन में बिस्किट को भी पैक कर दूंगी, और बिस्किट पैक होने के बाद टिफिन को बंद कर देंगे, और टिफिन पैक होने के बाद वाटर बॉटल को भी मैं भर दूंगी, और टिफिन भी पैक हो गया, वाटर बॉटल भी भर जाएगी, और उसके बाद पार्थ चला जाएगा स्कूल, और पार्थ के स्कूल जाने के बाद मैं चाय पी लूंगी, और चाय पीने के बाद मैं कर लूंगी बर्तन साफ। तो आज बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे क्योंकि सुबह से ही पार्थ के जाने के लिए नाश्ता बन रहा था, जिससे कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो मैं बर्तन को साफ कर लूंगी, और बर्तन भी जैसे हमारे साफ हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पोछा भी लगा लूंगी, और पोछा लगाने के पहले मैं करूंगी थोड़ी सी क्लीनिंग, और सारे बर्तन भी धुल चुके हैं और बर्तन साफ हो जाते हैं, तो जो सिंक रहता है वह भी साफ हो जाता है। और इसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने मिरर वगैरह साफ कर लिए थे। सारा क्लीनिंग का काम भी हो चुका था और हस्बैंड के भी हो रहा था ऑफिस का टाइम, तो मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी चने का साग। तो आज मैंने खाने में बनाया है चने का साग और रोटियां, और पुलाव और पराठे तो मैं पहले ही बना चुकी थी। तो बस यही आज का हमारा लंच है, और जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तभी मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ों को भी डाल दिया था, तो कपड़े भी हमारे धुलकर हो गए थे तैयार। तो जब तक खाना बना और क्लीनिंग का काम चला तब तक कपड़े धुल चुके थे, और कपड़े धुलने के बाद मैं कपड़ों को भी फैला दूंगी। तो सारा काम मेरा टाइम से होता जा रहा है, तो और लगभग करीब मुझे 12 बज गए थे सारा काम करते करते, और कपड़े भी सारे धुल गए थे, और धूप भी आज नहीं निकली थी, कोहरा कोहरा सा चारों तरफ दिखाई दे रहा था, पर कपड़े धुल गए हैं तो बस एक दो दिन में सूख जाएंगे।
और अभी ठंड है तो ठंड की वजह से कपड़े भी बहुत ज्यादा निकलते हैं और सारे कपड़े फैला देंगे। और हवा भी बहुत तेजी से चल रही थी, तो काफी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस सारा काम हो गया था और लगभग मैं 12 बजे तक पूरी तरीके से फ्री हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।